नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती अब आगामी चुनाव को लेकर कई सीटों पर नया दाव लगाने की तैयारी कर चुकी है। ये झलक सहारनपुर लोकसभा सीट पर दिख गई है। अब ऐसी ही चर्चा पूर्वांचल की एक सीट को लेकर शुरू हो गई है, जहां जल्द ही एक बड़ा फैसला होने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल बीते दिनों सहारनपुर सीट पर बीएसपी ने पूर्व जिलाध्यक्ष के पति माजिद अली को पार्टी ज्वाइन करने के बाद यहां प्रभारी बना दिया था। पार्टी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। इसके बाद कहा गया कि सांसद हाजी फजलुर रहमान को साइड लगाने की तैयारी हो चुकी है। इसके पीछे एक खास वजह भी बताई गई है और कहा गया है कि बीएसपी पहले हर सीट पर प्रभारी घोषित करती है और फिर आगे चलकर उसे ही अपना प्रत्याशी बनाती है। अब बीएसपी पूर्वांचल की एक सीट पर जल्द ही आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले ले सकती है और सूत्रों का दावा है कि पार्टी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह पर बीएसपी बड़ा दाव खेलने की तैयारी कर रही है। बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव में बलिया से अपना उम्मीदवार बना सकती है और जल्द ही आने वाले दिनों में इसका औपचारिक ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के दावे के अनुसार अगले कुछ दिनों में बीएसपी कुछ सीटों पर अपने प्रभारियों का ऐलान कर सकती है। पार्टी ने पहले ही एक सांसद को हटा दिया है, जबकि अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और सूत्रों का दावा है कि दो और सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पत्ता कट सकता है और इसकी तैयारी भी हो चली है। कुछ सीटों पर प्रभारियों का ऐलान होते ही उनका नाम सामने आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।